विधि के विधान और मुसीबतों का पहाड़ कब किस पर दर्द बनकर टूट पड़े कोई नहीं जानता। सिर्फ चीखने पुकारने के अलावा कोई जोर नहीं चलता। कुछ ऐसा ही औरैया जिले के थाना बेला के ग्राम कुर्सी में घटित हुआ। आपको बता दें कि कुर्सी निवासी रत्नेश कुमार पाल के पिता बालक राम का निधन हो गया था। उसी के चलते 5 सितंबर को उनका जलार्पण कार्यक्रम था। सभी परिजन गाँव के समीप रामगंगा नहर के किनारे जलार्पण के लिए पहुँचे। परिजनों के साथ घर के किशोर, ज्योति, राखी और शिवानी भी अपने बाबा को जलार्पण करने गई थी। बताते चले कि जब परिवार की महिला पुरुष कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसी दौरान तीनों बहनें नहर के किनारे धसकने से पानी के तेज बहाव में बह गई थी। घटना को देख परिवार की महिलाओं में कोहराम मच गया। महिलाओं के कोहराम को सुनकर परिजन एवं ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान दो किशोरी, ज्योति और शिवानी को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह नहर से निकाल लिया था, लेकिन घंटों प्रयास के बाद राखी नहीं मिल सकी थी। आज रविवार को दूसरे दिन भी राखी की तलाश जारी रखी गई। उसी के चलते परिजन, ग्रामीण और पुलिस नहर के किनारे खोज रहे थे। जैसे ही बेला क्षेत्र के जलालपुर के समीप पहुंचे कि नहर में एक किशोरी के शव पानी के तेज बहाव में तैरता दिखाई दिया तो हड़कंप मच गया। किशोरी को नहर से निकाला गया। परिजनों ने राखी के रूप में पहचान की गई। शव ग्राम कुर्सी लाया गया, जहां महिलाओं में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, पिताजी का नौवार था, उसमें लेडीजें वगैरह वहाँ घाट पे गई थी, तो बच्ची बाद में गई तो दो वहाँ तीनों डूब गए। डूबने में एक लापता हो गई, दो को मैंने हम लोगों ने कोशिश की निकालने की तो बाहर निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।